फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने चैनल के लिए YouTube बैनर जो है जो YouTube चैनल के लिए एक बैनर जो है वो कैसे प्रोफेशनल बैनर जो होता है वो कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि कैसे आप ये बैनर जो है वो बना सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है पिक्सल। तो चलते हैं पिक्सल ऐप को और ओपन करते हैं, और आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक बैनर जो है वो प्रोफेशनल बैनर जो हो वो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिक्सल ऐप को ओपन करते हैं। पिक्सल ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने जैसा जो न्यू टेक्स्ट जहाँ लिखा हुआ है इसको ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट कर दीजिएगा। फिर इसका जो साइज़ है यूट्यूब स्क्रीन का साइज़ है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। ऊपर डॉट्स के ऊपर क्लिक करके इसमें आपने जब इमेज साइज कर रखा है उसके ऊपर कस्टम पर क्लिक करके आप यूट्यूब थंबनेल का जो साइज़ है उसको सिलेक्ट कर लें। ये कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आपने जो बैनर है वो उसको डाउनलोड किया हुआ है अपनी गैलरी से, गैलरी को ओपन करके उसको आप इसमें जो है गैलरी से वो बैनर जो है आप उसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद ये आपके सामने स्क्रीन पे ऐसे आ जाएगा। इसका साइज़ जो है उसको बड़ा कर लें। साइज़ बड़ा करके इसका जो बीच वाला कलर है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। नीचे वाले बीच वाली जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करें, इसमें से आप जो है वो कलर सेलेक्ट कर लें। ऊपर लॉक के ऊपर पहले क्लिक करें। मैं आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ब्लू पर क्लिक कर दिया है, ये ब्लू कलर हो गया है बीच वाला जो आपके बैनर का कलर आएगा। फ्रेंड्स, इसी से इसकी जो शेप है वो बनती है। बैकग्राउंड कलर जो है वो बैनर का वो ब्लू कलर का हो गया है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिंपली जो है ऊपर जो प्लस का साइन है उसके ऊपर क्लिक कर दे, उसमें से शेप्स को सिलेक्ट करें। शेप में से आपने कोई भी शेप लेके, ये देखिए, ये मैंने कि सर्कुलर शेप, एक स्क्वायर शेप जो है वो सिलेक्ट की है। ये साइडों से जो बैनर को आपको जो है वो साइडों को कट कर देगा और आपका जो बैनर है वो कम्प्लीटली एक शेप्ड बैनर जो है वो बन जाएगा। ये देखिए साइडों से एक एक शेप का जो एक शेप है आपने इधर लगा देनी है, एक शेप आपने दूसरी साइड पर लगा देनी है। जो बीच वाला सेंटर जो है ये आपका बैनर जो है वो, इसमें आपने अपनी फ़ोटो वगैरह या इसमें जो टेक्स्ट वगैरह है कुछ भी लिख सकते हैं। इसको बड़े बढ़िया तरीके से आप इसमें जो है वो फिट कर सकते हैं। इससे आपके बैनर को एक अच्छी शेप मिलेगी। आप चाहे तो इसमें जो ट्राइंगल शेप है या कोई भी शेप इसमें आप ले सकते हैं, जैसे आप अपने बैनर को शेप देना चाहते हैं, जैसे भी आप इसको बनाना चाहते हैं। मैंने ये स्क्वायर टाइप की दो शेप्स ली है, इसको मैंने एक साइड दोनों साइडों पे ऐसे लगा दिया है। अब आपने फिर प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करना है। प्लस साइन के ऊपर क्लिक करके आपने जो है वो उसमें से जो गैलरी है फ्रॉम गैलरी जहाँ लिखा उसके ऊपर क्लिक कर दें। फ्रॉम गैलरी में जब आपके सामने गैलरी जो है आपके फ़ोन की ओपन हो जाएगी तो उसमें से आप जिसमें जो भी अपने बैनर पे फ़ोटो लगाना चाहते हैं अपनी उसको सिलेक्ट कर लें। जो पिक्चर है फ्रेंड्स उसको हम बाद में सिलेक्ट करते हैं। अगर आप अपने बैनर पे कोई स्टिकर वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो हम पहले उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने पहले से डाउनलोड किए हुए हैं, इसमें से मैंने एक स्टिकर जो है यूट्यूब स्टिकर उसको सिलेक्ट कर लिया है। ये देखिए ये आपके सामने आएगा, इसका आप साइज सेलेक्ट कर लें और ओके कर दें। ओके करने के बाद ये आपके सामने पिक्सल ऐप में जो है वो जितना भी आप इसका साइज लगाना चाहते हैं आप उसके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका साइज सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद ये आपके सामने ऐसा कुछ हो जाएगा। आप इसको रोटेट करके लगाना चाहते हैं, घुमा के लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अगर आप सीधे सीधे इसको लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट करके एक कॉर्नर पर जो है वो डाउन साइड पे लगा दिया है।
तो फ्रेंड्स अब हम इसमें से कोई जो पिक्चर है वो सिलेक्ट कर देते हैं। फिर से हम गैलरी में चलते हैं। गैलरी को ओपन करने के बाद ये देखिए मैंने एक पिक्चर जो है उसको सिलेक्ट किया है। ये पिक्चर में जो है पिक्सल लैब में जो है वो आ गई है। इसका साइज़ आप जितना चाहे लगा सकते हैं, बड़ा साइज़ लगाना चाहते हो तो बड़ा लगा ले, लेकिन आपको बैनर के अकॉर्डिंगली ही इसका साइज़ लगाना चाहिए। ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, जो बैनर के ऊपर अच्छी तरह से दिखे कि ये किस चैनल का जो बैनर है। इसके अलावा आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद न्यू टेक्स्ट पे आप क्लिक कर दें। इसमें से आप अपने चैनल का नाम जो है लिखना चाहते हैं तो इसको इरेज करके, न्यू टेक्स्ट यहाँ लिखा है इसको इरेज कर दें। इसकी जगह पे आप अपने चैनल का नाम जो है उसको टाइप करके लगा सकते हैं। अपने चैनल के नाम को इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। ओके कर दें। ओके करने के बाद ये आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप इसका कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। कोई इसका फॉन्ट वगैरह, इसका जो शेप है, कैसी भी आप इसको देना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने चैनल के एक बढ़िया बैनर जो है इस पिक्सल लैब ऐप में बना सकते हैं। इससे आपके जो चैनल की पहचान है वो काफ़ी बढ़ती है। इससे पता चल जाता है कि किस यूट्यूबर का ये चैनल है। तो फ्रेंड्स ये तो थी कि यूट्यूब चैनल के लिए आप प्रोफेशनल बैनर जो है वो कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसका फॉन्ट सेलेक्ट कर दिया है। फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा आपके सामने दिख रहा है। रोटेट करके लगाना चाहते हैं तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया है। ये ऐसे कुछ टेढ़ा सा जो है बैनर में दिखेगा। इसका फॉन्ट सेलेक्ट कर लें। फॉन्ट जैसा भी आप चाहते हैं इसको, लेकिन ज़्यादा से अच्छा जो है वो फॉन्ट सेलेक्ट करें जिससे आपके जो लिखे हुए जो अपने चैनल का नाम है वो दूर से दिखे, पता चले कि जिस किस यूट्यूबर का ये चैनल है। इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने चैनल के लिए अच्छे से अच्छे बैनर जो बना सकते हैं। कोई भी आप इसमें शेप का बनाना चाहते हैं तो शेप सेलेक्ट करके आप इसको शेप भी दे सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं, जैसा भी आप अपने चैनल के लिए बैनर बनाना चाहते हैं। मैंने तो फिलहाल यही आपके लिए जो वीडियो बनाई है उसमें जो एक सिंपल सा बनाया है। इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने चैनल के लिए एक अच्छा बैनर जो बना सकते हैं। इसकी शेप थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि ये पता चले यूट्यूब साइन है। अब इसको हम अपनी गैलरी में सेव कर लेते हैं। ऊपर वाली ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एज के ऊपर आपने सेव एज इमेज जहाँ लिखा है उस पर क्लिक कर दें। ये पिक्चर जो है जो आपने बैनर बनाया है आपकी गैलरी में चला जाएगा। और गैलरी में आप जो है इसको कट करके क्रॉप करके थोड़ी इसको जो शेप है वो दे सकते हैं। तो चलिए पहले गैलरी ओपन कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे जो आप जो बैनर है इसको आप क्रॉप कैसे कर सकते हैं, शेप कैसे दे सकते हैं। ये देखिए ये सेव होकर मेरी गैलरी में आ गया है। इसको अब साइडों से और जितना भी आप साइज अपने बैनर का जो बनाना चाहते हैं उसको आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उसमें से सिलेक्ट कर लें ऑप्शन को और उसमें इसको जो साइज़ है वो दे सकते हैं जितना आप देना चाहते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आप अपने चैनल के लिए एक अच्छा से अच्छा बैनर जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक नई और वीडियो को लेके। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। में क्लिक करके आप इसका साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी आप रखना चाहते हैं। इसमें से मैंने इसका साइज़ जो है वो ऐसे थोड़ा सा इसको सेलेक्ट कर लिया है, इसको ज़्यादा मैंने बड़ा नहीं रखा है। इस तरह से फ्रेंड्स ये आपके सामने दिखेगा। साइज सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सेव के ऊपर क्लिक कर दें। सेव होने के बाद ये आपकी गैलरी में जो है वो चला जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह से ये कुछ दिखेगा आपके सामने जब ये आप इसको थोड़ा कट कर देंगे, इसकी शेप दे देंगे। तो कैसी लगी फ्रेंड्स वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और एक नई और वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे।